पायल को सिद्धार्थ ने बताई लीडर की गलती। पायल ने टीम पर फोड़ा हार का ठीकरा। रियलिटी शो लॉकअप में पायल की टीम ऑरेंज एक बार फिर टास्क में हारती हुई नजर आई है, जहां साफ तौर पर पायल के नेतृत्व में कमी नजर आई। लेकिन पायल अपने नेतृत्व में कमियां ढूंढने के बजाय हार का ठीकरा पूरी टीम पर फोड़ती हुई नजर आई है। पायल ने बताया कि टीम की स्ट्रेंथ कमजोर पड़ गई थी, इसलिए हम टास्क हार गए। सिद्धार्थ ने पायल को ये बताने की कोशिश की कि पायल का रवैया टास्क के दौरान काफी बदल जाता है और इसी वजह से उनके टीम के सदस्य वो नहीं कर पाते जो वो करने की क्षमता रखते हैं। शायद यही कारण है कि पायल की टीम हर टास्क हारती है। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर पायल गुस्से से आग बबूला उठी और पायल ने सिद्धार्थ को खरी खोटी सुनाई और ये बताया कि तुम थक चुके थे, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची थी, इसलिए हम टास्क हार गए, जबकि तुम मेरे नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हो। इतना ही नहीं, पायल ने सिद्धार्थ को व्यक्तिगत ताना भी मारा और ये बताया कि जब तुम चड्डी के लिए बिलख रहे थे तब मैंने ही तुम्हारा साथ दिया था और अब तुम कह रहे हो कि मेरे आदेशों की वजह से हम टास्क हार गए हैं। इतना ही नहीं, पायल ने शाइशा को भी स्टबन कहा, जिसका दुख शाइशा को भी हो रहा था। दरअसल पायल को ये लग रहा है कि शाइशा ने उनकी बात नहीं मानी, सिद्धार्थ का स्ट्रेंथ कम हो गया था, इसकी वजह से वो टास्क हार गई हैं। आपको बता दें कि जेल में मसाला पीसने का टास्क चल रहा था और वो टास्क ब्लू टीम ने ऑरेंज टीम से बड़े अंतर से जीत लिया है। पायल को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। पायल ने टीम के सभी सदस्यों के सामने ये ऐलान किया कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। वहीं पायल ने एक बार भी टीम के सदस्यों से ये नहीं पूछा कि आखिर उनकी टीम की हार क्यों हुई है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी टीम बार बार हार रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ में भी वो बराबर हैं और कैदियों के संख्या बल में भी वो बराबर हैं और उसके बावजूद वो हार क्यों रहे हैं। ये जानने के बजाय पायल अपनी ही टीम पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आई हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।